उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिखाई दरिया दिली। नियम 134 ए के तहत दाखिला करवाने वाले अभिभावकों को देखकर उप मुख्यमंत्री ने रोका अपना काफिला। राजीव चौक पर सड़क की दूसरी छोर पर खड़े हुए थे अभिभावक। सुबह से ही राजीव चौक पर एकत्रित हो गए थे अभिभावक। पुलिस ने अभिभावकों को रोके रखा। राजीव चौक पर अभिभावकों ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन में दाखिला कराने का दिया आश्वासन। आप अंदर गए DPCM साहब से मिले तो उन्होंने क्या आपको जो समस्या थी उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? DC साहब ने हमारी मुलाकात करवाई DPCM साहब से। DPCM साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर जरूर ही कार्रवाई करेंगे। कब तक कार्रवाई होगी? वो तो कहा है कि मैं मेरे संज्ञान में आया है, 2 दिन में मैं इसके ऊपर विचार करके कार्रवाई करूँगा। यहाँ बाहर भी हम लोग सभी इकट्ठे थे, DPCM साहब ने गाड़ी रोकी है और हमारी बातों को सुना है, ध्यानपूर्वक सुना है और आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी से जल्दी समाधान करवाएंगे। लेकिन तब तक तो सेशन निकल जाएगा, बच्चों का 1 साल खराब हो जाएगा। ये तो है ही, हम 1 महीने से एक यहाँ लोग बच्चों की क्लास लगा रहे हैं, बच्चे ठंड के अंदर परेशान हो रहे हैं। सरकार से इसीलिए हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, बच्चे भी जो है घर बैठे हैं, उनकी शिक्षा का लॉस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आगे एग्ज़ाम्स की भी दिक्कत आएगी। जिन बच्चों की DC कटी हुई है वो कहीं भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप जो DPCM के आश्वासन से संतुष्ट हैं, आगे धरना आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हमारा धरना इसी प्रकार लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। हम इस धरना प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा।